नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे पता करें कि कोई नेगेटिव एनर्जी हमें देख रही है या हम पे कोई ना कोई तरीके का प्रभाव डाल रही है या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये सवाल था किसी का, तो इसी विषय में आज की वीडियो बनने जा रही है। दोस्तों, ये सवाल यूँ कह लीजिए लाजमी भी है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो लोग बिना वजह परेशान रहते हैं, बिना वजह उनके जीवन में संकट है। यूँ तो कहने को हर इंसान के जीवन में परेशानियाँ हैं, अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, और हर इंसान कहीं ना कहीं परेशानियों से ग्रसित है। पर कई बार ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि प्रयास करने के बावजूद भी आपको वो मुकाम नहीं मिलता, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान जब ये इस असमंजस में होता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी उसे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा एंड सारी रेमेडीज़ करने के बावजूद भी क्यों नहीं फ़ायदा हो रहा, तब इस तरफ देखना एक लाजमी बात हो जाती है। रही बात कि कोई नेगेटिव एनर्जी हमें देख रही है या हमें नुकसान पहुंचा रही है या हम पे प्रभाव डाल रही है, ये चीज़ किसी और के बताने से पहले आपको खुद एनालाइज़ करने की ज़रूरत है अपने जीवन में। अगर आप अपने आप को एनालाइज़ करें तो आप कई बातों से ये पता लगा सकते हैं कि वाकई में आप नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हैं या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें छोटे छोटे उपाय होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं। एक मिनट के लिए कोई नेगेटिव एनर्जी आपको रेगुलर बेसिस पे देखती है और उसकी इंटेंशन आपके प्रति ख़राब है, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव एनर्जी है तो इंटेंशन ख़राब ही होगी, आपका आपके पूरे पर्सनैलिटी पे उसका प्रभाव है, तब आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि अगर आप इस तरीके के इंसान हैं जो कोई भी चीज़ प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं कि कल मैंने ये काम करना है और ऐसे ऐसे करना है और ये मैं करूँगा, और वो सोचने के बाद अगले दिन वो काम होता ही नहीं है, तब आप इसको कहीं ना कहीं ये एक इशारा और होता है नेगेटिव एनर्जी की तरफ कि कोई ना कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा हमारे संपर्क में यानी हमारे साथ किलोल ज़रूर कर रही है जो हमारी सक्सेस को या हमारी उन चीज़ों को जिससे हमें खुशी मिलेगी या जिन कामों को पूरा करके हमारी उपलब्धियां होंगी या हमारे को किसी भी तरीके का रिवॉर्ड मिलेगा, उन चीज़ों में रुकावट पैदा कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कल का माइंडसेट बनाया कि कल मैंने डॉक्टर के जाना ही जाना है, पर वो चीज़ हो ही नहीं पाई, या आपको किसी ने कोई रतन बताया और आपको ये है कि मुझे जो है कल वो रतन लाना है, आप वो रतन ला ही नहीं पाए, कई दिन निकल गए। ये मुझे कई लोगों ने ये इंस्टेंट शेयर किया धुनी के केस में, उन्होंने धुनी लेनी थी एंड वो नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित थे, उन्होंने कितनी ही दिमाग में मन बनाया कि हमने धुनी लेनी है और वो उनका डिसीजन आगे होता चला गया होता चला गया, कई हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, पर धुनी लेने का नंबर आया ही नहीं। और जब उन्होंने बिल्कुल ही यूँ कह लीजिए साम दाम दंड भेद लगा दिया, तब वो धुनी एक्चुअल में ले पाए। इसी तरीके से जब भी मैं लोगों को जेमस्टोन्स देता हूँ तो कई लोगों ने ये चीज़ मुझे बताई कि हम जेमस्टोन्स अब जब आपसे लेने थे तो उस चीज़ में अपने आप पता नहीं कैसे डिले हो गया, ये था कि कल पैसे डालने हैं, कल का कुछ हुआ, परसों कुछ हुआ और कोई ना कोई चक्कर बना रहा, परेशानी उल्टा इतने दिनों के प्रकरण में बढ़ती चली गई। तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ जो आपको ठीक करने के लिए है, ऑब्वियस सी बात है, आप इस चीज़ को एनालाइज़ कीजिए, चाहे मेरी धुनी या रतन हो या चाहे किसी का कोई भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं या सपोज़ आपने कहीं जाना है इलाज करवाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है जब आप इलाज की प्रकरण की तरफ बढ़ेंगे तो वो चीज़ उसको रोकेगी, तो आपके जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी, 10 काम और बढ़ेंगे, दिमाग से वो बात आप भूल भी जाएंगे, कोई ना कोई ऐसा काम या अड़चन आ जाएगी कि आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे जिससे आप ठीक हो सकें या आपको फ़ायदा हो सके। तो ये एक सबसे बड़ा संकेत होता है कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी हमें देख रही है, हमें प्रभावित कर रही है, अपनी बुरी नज़र या बुरी इंटेंशन हमारे प्रति जाहिर कर रही है। उसके अलावा हर वक्त गुस्सा आना, ये एक दूसरा लक्षण आपको बताने जा रहा हूँ कि यूँ कह लीजिए कि कोई भी इंसान आपको कहता है कि भाई टोकता है कि तूने ये क्यों नहीं किया, तो आप एक मिनट के लिए, एक नॉर्मल बंदा होगा जवाब देगा भाई इसलिए नहीं किया या ये रीज़न था, आपको वो जवाब देगा तो आपको कहने का मन तो है कि भाई इसलिए नहीं किया, पर आपके अंदर इतना वॉल्केनो आ जाएगा गुस्से का कि आपका मन करेगा कि उसका सर फोड़ दो, आप उल्टा जवाब दोगे, उससे झगड़ोगे, लड़ोगे, माथा फोड़ोगे, उसको चार बातें उल्टी सुना दोगे, चाहे वो आपका बाप है, चाहे आपका कोई टीचर है, चाहे आपका कोई बॉस है, चाहे आपका दोस्त है, चाहे आपकी वाइफ है, और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको क्या हो गया।
और सामने वाला बंदा भी आपके उस बिहेवियर को देख के एकदम शॉक में हो जाएगा, बिकॉज वो एक एक्सट्रीमनेस होगी एंगर की और वॉयलेंस की। आप ऐसे इंसान नहीं हो, पर अचानक से आपके बिहेवियर में ये टर्निंग पॉइंट होगा। तो यहाँ भी ये चीज़ आसानी से इस लक्षण से पता लगी जा सकती है कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में हम हैं, या कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपको चैनलाइज कर रही है, आपके माइंड के साथ खेल रही है, आपके बिहाफ पे डिसीजन ले रही है। एंड ऑब्वियस सी बात है, आपके काम बिगाड़ रही है, क्योंकि गुस्से से, वॉयलेंस से, झगड़े से काम बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। अक्सर लोग ना चाहते हुए भी मारपीट पे आ जाते हैं, अनजान लोगों से गाली गलौच मारपीट में घुस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी का उनके जीवन काल में प्रभाव होता है, नज़र होती है, और नेगेटिव एनर्जी उनके साथ होती है। ये वो लोग होते हैं जहाँ वो एक्चुअल में आवेश नहीं लाती, पर ये ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि आवेश ना आके भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव जीवन में है, किसी न किसी नकारात्मक ऊर्जा का साथ जीवन में लग गया है। क्योंकि ये ऐसे एक्ट्स जो हमारे खुद के नहीं है, यूं कह लीजिए, एक तो होता है इंसान का ओरिजिनल बिहेवियर, एंड एक चीज़ होती है कि ओरिजिनल बिहेवियर से एग्जरेटेड चीज़, उसका 10 गुना या फिर उसका कंप्लीट अपोजिट। ये दोनों ही बातों में कहीं ना किसी किसी भारी शक्ति का प्रभाव होता है। इसके अलावा आपकी आदतों में चेंजेस आना, आपके टेस्ट में चेंजेस आना, आपके रूटीन में चेंजेस आना, एंड दीज चेंजेस आर नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ लाइफ के आप जैसे जैसे लोग बदल रहे हैं तो आप बदल रहे हैं, नहीं, ये एक ऐसे चेंजेस होते हैं जो सडनली आते हैं और कभी कभी इतने धीरे धीरे मोल्ड होने लगते हैं आपकी पर्सनैलिटी में कि लोग ईजिली नोटिस नहीं कर पाते। जो आपसे बहुत क्लोज होगा वो नोटिस करेगा। सपोज़ कोई लड़की थी, वो पोजेस्ड है, वो बाल बांध के रखती थी, बाल उसने खोलना शुरू कर दिया सडनली। सडनली जो उसकी ईटिंग हैबिट्स थी वो बदल गई, सडनली उसका वे ऑफ टॉकिंग बदल गया, सडनली उसका जो है एक यूँ कह लीजिए शांत लड़की गुस्से में आ गई, गुस्से वाली शांत होने लगी। तो ऑब्वियसली देर इज़ अ चेंज ऑफ टेम्परामेंट, देर इज़ अ चेंज ऑफ बिहेवियर, एक सडन चेंज आ जाता है, और किस तरीके से आता है डिपेंड करता है नेगेटिविटी के ऊपर। ये ऐसे केसेस होते हैं जहाँ आवेश नहीं आता, पर उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जैसे जैसे दिन पे दिन बढ़ता जाता है, इंसान के यूँ कह लीजिए उल्टे लग जाते हैं, काम बनने बंद हो जाते हैं, आपने जो सोचा वो काम नहीं होता, आप कहीं जा रहे हैं, किसी से मीटिंग कर रहे हैं, तो सामने वाले बंदे को जो आपकी वाइब्स होती हैं वो पॉजिटिव नहीं लगती। एक ट्रस्ट फैक्टर, एक ट्रस्ट, एक विश्वास का फैक्टर नहीं डेवलप होता। आप कोई भी चीज़ बेचना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं, कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको देख के वो फील नहीं आती डैट यू आर द राइट पर्सन। आपकी ऊर्जा ही लोगों को समझ नहीं आती, एंड एक ऐसा लगता है कि भाई ये इंसान अजीब सा है। कोई ना कोई आप ऐसी हरकत कर देते हो जो आपको कंट्रोल में नहीं होती, या फिर आप कुछ हरकत कर दोगे, आपको इसका स्मरण भी होगा और बाद में आके आप कहोगे यार ये मैंने क्या कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे लक्षण होते हैं जो ज़रूर इस बात को इशारा करते हैं कि कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ चुकी है, उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे पड़ चुका है, आपके वो साथ की लौल कर रही है। वो आवेश नहीं ला रही है ताकि वो पकड़ी ना जाए, पर उसकी मेयर प्रेजेंस और उसका एक्ट, उसका प्रभाव ही आप पे कम्प्लीटली आपके जीवन को बदल रहा है। तो आई होप जिनका सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको पैरानॉर्मल स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, यानी कि पारालौकिक और आध्यात्मिक दुनिया के बारे में इसी तरीके से जानकारियाँ मिलती रहे। आपको कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों। दोस्तों लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे चीज़ें, और वो जानना चाहते हैं भूत प्रेतों की दुनिया के बारे में, और मैं रोज़ नया से नया सवाल लेता रहता हूँ। इतने सारे सवाल हैं, इतने सारे लोगों की क्वेरीज हैं, और तो थोड़ा सा धीरज रखिए, सबके सवालों पे वीडियो बनेगी। बाकी अगर आप किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा से, परेशानी से, भूत प्रेत प्यादा से, काले जादू से ग्रसित हैं, तो एक बारी मेरी धुनी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे, फ़ायदा होगा, ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा किसी भी तरीके की जेमस्टोन के लिए, कुंडली बनवाने के लिए, किसी भी तरीके से बॉडी में पेन रहता है तो दर्द निवारक ऑयल के लिए, वेल्थ के, लक्ष्मी प्राप्ति धुनी के लिए, हर चीज़ के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं 8130331007 पे।
दोबारा नंबर बोल रहा हूँ 8130331007, एक लैंडलाइन नंबर है 01244219446, इस पर आप कॉल कर सकते हैं 01244219446। एक कॉलिंग नंबर और है, वो आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई पर्सनल परेशानी है तो ईमेल में लिख लीजिए, लिख सकते हैं मुझे, मैं खुद जवाब देता हूँ, पुलकित सिंगला 901@gmail.com पे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।